हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा। आज हम बनाने वाले हैं यह अनोखी सब्जी जो बहुत ही आसान है, फटाफट बनकर तैयार होती है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो बनाने वाले हैं वो है अरबी की सब्जी। ये इस प्रकार से मिलती है, तो कभी कभी इसमें मिट्टी लगी रहती है, तो इसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। और इसे कुकर में हम दो विसल लगाकर बॉईल करेंगे अच्छे से। इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। हरा धनिया है, नमक है और लाल मिर्च, अमचूर पाउडर है और हल्दी है। मसाले आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स होकर तैयार हैं। अब हमारे अरबी भी बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब इस तरह से हम सारी अरबी को छील लेंगे। ये देखिए, हमने सारी अरबी को छील लिया है और यह बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉईल हुई है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल आपको डीप फ्राई के लिए डालना है, तो ऑयल अच्छे से डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसमें अरबी डालकर हम पूरी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें हम इस अरबी को हमें थोड़ा पकने देना है और उन्हें बाद में ही अच्छे से पलटाना है। और लो मीडियम फ्लेम करते हुए हमें इन्हें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे से डीप फ्राई करना है। तो अब हमारे यह अरबी हल्का ब्राउन कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही माउथ वाटरिंग लग रहे हैं, ये देखिए। अब इन अरबी को हम बीच में से कट लगा देंगे। इन अरबी को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और बाद में ही कट लगाना है। अब जो हमने मसाला बनाया था वो इस अरबी के बीच में हम भर देंगे और हल्का सा इस अरबी के पीसेस को हम दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी अरबी में हमने इस मसाले को भर लिया है। और जो भी यह लेफ्ट ओवर मसाला है, इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और बाकी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे और जो अरबी हमने तैयार की है, इसे एक एक करके हम अच्छे से इसमें सेक लेंगे। और इसमें हमें अब ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। सारी अरबी को हम इसी तरह इस पैन में डाल देंगे। आपको जितनी भी क्रिस्पी यह अरबी चाहिए, आप उतनी क्रिस्पी होने तक अच्छे से इन्हें सेक लीजिए। और जब एक साइड से अच्छे से पक जाए, तो आप इन्हें पलटकर दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक दीजिए। अब हमारी अरबी अच्छे से दोनों साइड से सिक गई है। ये देखिए, बिल्कुल यह परफेक्ट कलर है। अब इन अरबी के पीसेस को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दो
बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। कुछ धनिया पत्ती से हम इस अरबी को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी यह अरबी बनकर तैयार है। एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.